और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं ओलंपिक में हॉकी टीम की जीत के बाद। अब ये देखिए तस्वीरें जहां भारत लौटे हैं हॉकी टीम के खिलाड़ी और किस तरह से उनका वेलकम किया जा रहा है। और हॉकी टीम ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी थी और बधाइयों का सिलसिला जारी रहा था। फोन पर बातचीत भी की गई थी और फिलहाल ये तस्वीर देखिए जहां ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद पेरिस से वापस लौटी है हॉकी टीम। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ उनका वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और पेरिस से वापस लौटी हॉकी टीम जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 52 साल बाद भारत ने हॉकी में पहली बार जीता था ये मेडल और ऐसे में देखिए किस तरह से उत्साह का माहौल है हर तरफ। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जीता ये मेडल और लगातार दूसरी बार कांस्य पदक पर कब्जा, स्पेन को 2-1 से धोया था और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी थी, बातचीत की थी और देखिए बधाइयों का सिलसिला भी जारी था। और फिलहाल ये तस्वीर मेडल वीरों का भव्य स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। तो पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद देखिए भारत लौटे हैं और ऐसे में किस तरह से यहां पर भव्य स्वागत हो रहा है, ढोल नगाड़ों में देखिए किस तरह से झूमते यहां पर नजर आ रहे हैं टीम के खिलाड़ी। जाहिर तौर पर खुशी का माहौल है, वेलकम हो रहा है, सभी बधाई दे रहे हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक में और फिलहाल ये देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम और ऐसे में लोगों में भी उत्साह है। देखिए किस तरह से मीडिया से मुखातिब होते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। आप इंडिया बुला सकते हैं हमें। आपको दुख है कि गोल्ड मेडल नहीं आई है, आपको बिल्कुल आई थिंक मेडल होता है और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए हैं एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए और आई थिंक बहुत प्राउड है हम। किसको डेडिकेट करेंगे ये मेडल? ये पूरे इंडिया को करेंगे कि जितना आप लोगों ने सबने प्यार दिया है हमें वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्पोर्ट आपकी हमेशा हमारे साथ रहे यही उम्मीद करते हैं। आई थिंक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था उनके लिए भी और क्योंकि इतना समय उन्होंने जो हॉकी को दिया है, टीम को दिया है, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। एंड लास्ट मैच खेलना और मेडल के साथ फिनिश करना इससे बड़ी बात उनके लिए भी कोई नहीं है। तो हमारा यही था कि उन जो वो जा रहे हैं तो उनको अच्छे से भेजें, मेडल के साथ भेजें और हम बहुत खुश हैं उनके लिए। बट ऑफ कोर्स अभी वो रिटायरमेंट दे चुके हैं बट वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल सर, आई थिंक जो स्पोर्ट मिल रही है स्पोर्ट्स को और सभी गेम्स को आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियली वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साई बेंगलोर और आई थिंक साई के एंड जो हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट है एंड हमारी हॉकी इंडिया, आई थिंक जिस इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें। और एज ए प्लेयर सबको यही होता है कि आपको सब सपोर्ट मिले, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आपकी पूरी हो, तो आई थिंक वो हमें मिली है और रियली वांट टू थैंक। बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड हैं क्योंकि हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है और जितना प्यार अब मिल रहा है हॉकी को और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डबल करता है और हम भी कोशिश करेंगे कि जब भी मैदान में जाएं और देश के लिए मेडल लेके आए। थैंक यू। तो देश के लिए मेडल जीतना बड़ी बात। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर धमाल मचा दिया है और देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका किस तरह से भव्य वेलकम हुआ है। और ऐसे में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया है और कहा कि ये मेडल देश के नाम है।
तो भारत और स्पेन के बीच गुरुवार को पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला गया और भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये भारत लगातार दूसरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल है। और इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी भारत ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर जश्न का माहौल है, स्वागत में लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ी है और मेडल वीरों का भव्य स्वागत हो रहा है। बहुत खुश हैं और बहुत गर्व हो रहा है, ये हरमनप्रीत कहते हुए नजर आ रहे थे। जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने जीत को लेकर खुशी जाहिर की और देखिए सभी खिलाड़ियों का किस तरह से यहां पर वेलकम किया गया है। देखिए अगर बात करें मैच की तो पहले क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। दूसरे क्वार्टर में स्पेन ने 1-0 की बढ़त बना ली थी। दूसरे क्वार्टर का खेल खत्म होने तक भारत ने वापसी और स्कोर 1-1 के बराबर कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया और फिलहाल ये तस्वीर भी आप देखते रहिए किस तरह से यहां पर उनका स्वागत हो रहा है। मेडल वीरों का यहां भव्य स्वागत हो रहा है दिल्ली एयरपोर्ट से, ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। पेरिस में पदक और दिल्ली में भव्य वेलकम, तो यहां पर खिलाड़ियों से बातचीत करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं सभी मीडिया के लोग। और देखिए हरमनप्रीत को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत खुश है और बहुत गर्व हो रहा है और ये मेडल देश के लिए है और काफी गर्व का विषय है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जश्न का माहौल, स्वागत में यहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी उमड़ी थी और फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां जीत के बाद जब वतन वापस लौटे हैं तो ऐसे में खुशी जाहिर करते हुए यहां टीम के जितने भी सदस्य हैं वो नजर आ रहे हैं। तो पेरिस में भारत के लिए ये बड़ी खुशखबरी सामने आई थी और हॉकी में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था और ये पेरिस ओलंपिक में भारत का चौथा पदक रहा था। और फिलहाल देखिए मेडल वीरों का किस तरह से दिल्ली में वेलकम हुआ है, पेरिस में पदक और दिल्ली में यहाँ पर शानदार स्वागत हुआ है। खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं, अपने मेडल को दिखा रहे हैं और साथ ही साथ देखिए किस तरह से अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल और ऐसे में जब इंडिया लौटे हैं तो स्वागत में देखिए किस तरह से ढोल नगाड़ों की गूंज आपने सुनी। यहाँ पर उन्हें फूल माला देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। हरमनप्रीत जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया और बताया कि किस तरह से देश के लिए ये मेडल जीतना बड़ी बात है और तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए। तो स्वैग से यहां पर स्वागत किया गया है, दो अलग अलग तस्वीर देखिए आपके स्क्रीन पर जहां टीम का स्वैग से स्वागत और दिल्ली एयरपोर्ट से फिलहाल ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं जहां बस में तमाम खिलाड़ियों की मौजूदगी है। अब आगे भी कई तमाम दिग्गजों से मुलाकात करेंगे और जीत के बाद से लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। तो स्वैग से स्वागत दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने चौथा पदक जीत लिया था हॉकी में और ये पदक भारत को राष्ट्रीय खेल हॉकी में मिला था और भारत हॉकी टीम ने स्पेन को हराते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाया था। तो लगातार ये दूसरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम, भारतीय हॉकी टीम के नाम थी। और फिलहाल ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर भव्य स्वागत किया गया, वेलकम किया गया और ऐसे में खुशी जाहिर तौर पर सभी के चेहरे पर नजर आ रही है। तो टीम इंडिया ने स्पेन को 2-1 से हराया था, दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए और 10 गोल के साथ टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी हैं। ओलंपिक का ये ब्रॉन्ज मेडल मैच गोलकीपर श्रीजेश का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला भी था और देखिए किस तरह से खिलाड़ी मेडल को भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर स्वैग से स्वागत तो किया गया, दूसरी तरफ देखिए लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में जो खिलाड़ी हैं उनके चेहरे पर जश्न और खुशी जो है वो साफ नज़र आ रहा है। और वहाँ पर किस तरह से रहा वो हरमनप्रीत भी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो कहते हुए नजर आए। श्रीजेश तो हकदार था उसका, नहीं चाहिए, एक कहने वाली चीज है, उसका हक है। अगर वो हक भारत सरकार इंडियन ओलंपिक दिया है तो हॉकी इंडिया इसके लिए उनको धन्यवाद देता है। सर 52 साल के बाद ये खुशियां, जबरदस्ती कुसुम है, जीत पे आप एक टिप्पणी कैसे? देखिए जीत शानदार जीत रही, बैक टू बैक सिल्वर मेडल अथवा ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए हैं, मगर हम लोग का, हॉकी इंडिया का, पूरी टीम का, हम लोग का टारगेट था कि हम लोग को फाइनल खेलना है। एक रेफरी का चूक, अमित रोहिदास को बाहर करना, वो हम लोग के लिए बहुत भारी पड़ा। आवाज हम लोग ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहे हैं, नहीं तो इस मेडल का कलर कुछ और होता। सर सेमीफाइनल में आखिरी मोमेंट पर जो एक इंच से लास्ट सेकंड में जो गोल चूक गया, वो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके तेज है रहती है खिलाड़ियों के अंदर या फिर आपके अंदर?
देखिए खेल एक ऐसी चीज है ना कि उसकी जितनी गहराइयों में जाइएगा, जितनी चीज को सोचिएगा, वो आपको बराबर बहुत टिस मारेगा कि ऐसे हो जाता तो ऐसे होता, ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता। बस सेमीफाइनल के दिन के लिए मैं जर्मनी के खिलाफ मैं यही कहूंगा कि वो मेरा दिन नहीं था, मेरा खिलाड़ियों का दिन नहीं था, भारत का दिन नहीं था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। सर आप हमारे लिए एक बार वो मोमेंट बता दीजिए जब ये हो गया कि ब्रोंज जीत लिया है, उसके बाद खिलाड़ियों का क्या रिएक्शन था जब वो वापस आए हैं, कैसे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है? अरे हम लोग को गोल्ड की उम्मीद लेके चले थे, ब्रोंज पर बात कर रहे हैं।